Hello, welcome back to my channel English and Sahitya. In this video we are going to start most reliable NCERT solution for class 7th English unit 5th quality. Yes, क्लास सेवेंथ के जो चैप्टर है उनको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया, जैसे यहाँ आज हम फिफ्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं. और इससे पहले इस चैप्टर को हम फुली एक्सप्लेन कर चुके हैं, ट्रांसलेशन कर चुके हैं हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी. तो अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. ओके, ये जॉन गॉल्सवर्थ के बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं चैप्टर में. ओके, तो बिफोर रीडिंग मतलब ये बिफोर रीड भी हम कर चुके हैं. मतलब इसमें क्या है, शू मेकर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, मतलब वो किस तरीके से पूरी ईमानदारी से पूरे लाइफ अपने काम को कैसे मतलब अपने पूरे टाइम में क्या है वो अपने दिस स्टोरी इज सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट्स. मतलब किस तरीके से वो अपनी पूरी लाइफ को निछावर कर देता है अपने काम में, मतलब हार्ड वर्क करके पूरे टाइम मतलब बिल्कुल काम करना है. दिस चैप्टर हैज़ बीन एप्टली गिवन द टाइटल क्वालिटी. जो इसका जो टाइटल दिया गया है क्वालिटी, उसे क्या बिल्कुल सूट करता है. एज द एंटायर चैप्टर is about a spectacular quality of the boots made by person named Mr. Gessler. The author is very fond of the boots made by him, and he also says that boots stay for a long period of time. This story narrates how Mr. Gessler feels about a big farm and who are just concerned about the advertisement and not the quality of the boots they make. And he say that because of such a big farms, people like him suffer and lost customers. तो बिग फार्म्स की वजह से मतलब उन्हें क्या कितनी प्रॉब्लम है झेलनी पड़ रही है. जो क्या है, मिस्टर गेसलर जैसे छोटे छोटे शॉप वाले हैं तो उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि जितने भी उनके कस्टमर हैं वो क्या है बड़ी बड़ी दुकानों की तरफ क्या है आकर्षित हो रहे हैं. और वो किस लिए हो रहे हैं, वो लोग इतना एडवर्टाइजमेंट करते हैं मतलब अपनी चीज़ों के लिए, उसमें की गुणवत्ता इतनी मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं होती है जितना वो उसको क्या है अच्छे से मतलब डिस्क्राइब करते हैं अपने उसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं. ये हमारी और जो यही है मिस्टर गेसलर की दुकान बहुत ही सिंपल सी है, बस जो इनके पास जो क्वालिटी है लेदर की और जो इनकी मेहनत है वो क्या है उससे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता है. वो राइटर कह रहे हैं कि लंदन में तो कोई है ही नहीं मतलब इनके बराबर आर्टिस्ट मतलब शू मेकर में. सो स्टार्ट करते हैं हम अब क्वेश्चन आंसर को. व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियन अबाउट मिस्टर गेसलर एज अ बूट मेकर. बूट एक बूट निर्माता के रूप में जो मिस्टर गेसलर के बारे में जो राइटर था उनकी क्या ओपिनियन थी. आंसर होगा इसका, द ऑथर वाज हाईली इम्प्रेस्ड विद द वर्क ऑफ मिस्टर गेसलर एज अ बूट मेकर. द बूट्स मेड बाय मिस्टर गेसलर यूज टू हैव एन एक्सेप्शनल फिट. दे वर मेड ओनली ऑन ऑर्डर. तो जो बूट बनाते थे वो क्या है सिर्फ ऑर्डर पे बनाते थे, ऐसे नहीं बनाते थे कि हमेशा मतलब रखे पहले से शूज बने हुए रखे हुए हो और आओ और उसे पहनो जो आपको फिट आ रहे, ऐसे नहीं बनाते थे. जो भी उन्हें ऑर्डर देता था तो उनका नाप अच्छे से लेते थे वो, और पूरा एक्सेप्शनल फिट मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता था जो उन्होंने शूज़ बनाए वो कभी किसी को फिट ना आए हो. दे वर मेड ओनली ऑन ऑर्डर एंड ही हैड अ बेस्ट मटेरियल. मतलब वो हमेशा सबसे बेस्ट मटेरियल होता था उसको यूज़ करते थे, मतलब जो उसके लिए जो सामान यूज़ होता था लेदर वगैरह उस सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता था. दे लास्टेड सो लॉन्ग. और जो उनके बनाए हुए जो शूज होते थे वो इतने लंबे समय तक चलते थे कि कभी टूटने का नाम ही नहीं लेते थे, बहुत मुश्किल से टूटते थे. क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली. लेकर दुकान पर इतना कम क्यों जाता था, मतलब इसके पीछे कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि वो और जगह से शूज़ खरीदते थे. इसके पीछे रीज़न था कि दी ऑथर विजिटेड दिस शॉप सो इनफ्रीक्वेंटली बिकॉज दी बूट्स मेड बाय मिस्टर गेसलर यूज टू स्टे क्वाइट लॉन्ग. क्योंकि जो मिस्टर गेसलर के द्वारा जो शूज़ बनाए जाते थे वो क्या है काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, क्वाइट लॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे समय तक चलते थे, वो जल्दी जल्दी से टूटने का नाम ही नहीं लेते थे. क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, What was the effect on Mr. Gessler of the author's remarks about a certain pair of boots? एक निश्चित जोड़ी जूते के बारे में जो लेखक ने क्या रिमार्क किया था, जो मिस्टर गेसलर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा था. On hearing
The author's remark about a certain pair of boots, Mr. Gessler looked at the author for a while as if accepting him to take back his words. जैसे ही मतलब जो जो मतलब वो लेखक होते हैं जैसे उनके बारे में रिमार्क करते हैं, मतलब उनके शूज़ के बारे में जो रिमार्क करते हैं, जो उन्होंने एक जोड़ी ली थी पहले एक जोड़ी के बारे में, तो जो मिस्टर गैसलर होते हैं वो थोड़ी देर तक क्या है सिर्फ उनको देखते रहते हैं, मतलब लुक्ड एट द ऑथर, मतलब ऑथर की ओर क्या सिर्फ देखते रहते हैं, एक्सेप्टिंग हिम, मतलब उन्हें लगता था कि वो अपने वर्ड्स को क्या वापस ले लें, बैक हिज वर्ड्स. देन ही सेड दैट मे बी द ऑथर हैड गॉट देम वेट. तब वो कहते हैं कि हो सकता है कि आपने शायद आपने उन्हें क्या है गीला कर दिया हो, लेकिन जो राइटर होते हैं वो कहते हैं ऐसा मैंने कुछ नहीं किया. तो वो फिर उसके बाद क्या रिप्लाई करते हैं, मतलब अपनी आंखों को भी नीचे कर लेते हैं, और जैसे आपने चैप्टर में पढ़ा होगा. और फिर वो उसके बाद कहते हैं ही टोल्ड द ऑथर टू ब्रिंग द बूट्स बैक टू हिम. तो कहते हैं वो लेखक को कहते हैं जो वो जूते हैं वो तुम क्या है वापस लेके आ जाना, उसको क्या है मैं रिपेयर कर दूंगा और एडजस्ट कर दूंगा. अगर वो रिपेयर नहीं होते तो क्या है जो आपने प्राइस दिया है मुझे उससे क्या है मैं बिल से हटा दूंगा जो मैं आपका बिल है. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज मिस्टर गैसलर कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स. मिस्टर गैसलर की बड़ी कंपनियों के खिलाफ क्या शिकायत थी. आंसर होगा मिस्टर गैसलर कंप्लेंट दैट द बिग फार्म्स वर मेकिंग मनी बाय अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू एडवर्टिजमेंट. दे वर नॉट अर्निंग बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दिस वर्क बट बिकॉज ऑफ मेकिंग. तो वो क्या मार्केटिंग, बिकॉज ऑफ मार्केटिंग, मतलब जो मिस्टर गैसलर जो गैसलर थी उनकी शिकायत थी जो बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो सब क्या एडवर्टिजमेंट करते रहते अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, तो इसके थ्रू ही क्या है वो पैसा कमाते हैं, वो अपनी मेहनत से नहीं कमाते, देयर वर्क से नहीं और उनकी क्वालिटी से नहीं. बिकॉज ऑफ देम स्मॉल शॉप हैड टू सफर और लॉस ऑफ कस्टम्स. और उनकी वजह से क्या है जो जो छोटे दुकानों को जो ग्राहक है जो उनमें क्या कमी आ गई, उनको क्या है मॉल की तरफ बड़ी बड़ी शॉप्स की तरफ क्या आकर्षित हो रहे हैं उनके एडवर्टाइजमेंट की वजह से, और उन्हें क्या है उनके कस्टमर्स का लॉस हो रहा है उनकी वजह से. मतलब मिस्टर गैसलर का कहना है वो अपनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना रही, मतलब वो अगर वो अच्छी क्वालिटी से अपने मतलब जो कस्टमर होते हैं उनको आकर्षित करते तब भी उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, उन्हें बुरा इसलिए लग रहा है उनकी क्वालिटी भी बहुत चीप रहती है, मतलब बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है, तब भी क्या है हमारे कस्टमर क्या उनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं सिर्फ किस लिए, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मतलब उसकी इतनी ज़्यादा मतलब विज्ञापन के माध्यम से क्या है वो ग्राहकों को आकर्षित करते हैं और इसी से क्या वो पैसा भी कमा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, क्या Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? तो ऐसा तो कुछ नहीं था, बस author क्या है author इसलिए बहुत सारे shoes मतलब मंगवाते हैं उनसे, मतलब उन्हें उन्हें लगता है कि जो मिस्टर गैसलर है क्या उनके क्या है उनके पास क्या है कस्टमर नहीं है, सारे कस्टमर क्या है जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वो क्या है जैसे ही फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है इसकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से क्या है ऑथर को क्या है ना चाहते हुए भी बहुत सारे शूज़ बनाने का क्या ऑर्डर देना पड़ता है. वो चाहते कि इसको क्या है इससे रोज़गार मिल जाएगा, मतलब कुछ पैसे कमाने की कमा लेंगे, मतलब जो शू मेकर है. तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नो द ऑथर डिड नॉट रियली नीड सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स. उन्हें इतने सारे जूतों की जरूरत नहीं थी. ही ऑर्डर सो मैनी ऑफ देम बिकॉज वॉन्टेड टू हेल्प द बूट मेकर फाइनेंशली. जो बूट मेकर होते हैं उनको क्या वो फाइनेंशली हेल्प करना चाहते थे, क्योंकि उनके सारे कस्टमर क्या है बड़ी बड़ी कंपनियों की तरफ आकर्षित हो रहे थे. वर्किंग विद लैंग्वेज, अब हम ग्रामर वाला पोस्चर देखते हैं. स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग्स, यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कम्प्लीट द सेंटेंस दैट फॉलो. तो आपको क्या है जो ये नीचे फ्रेजेस दिए गए हैं मतलब तो उसको क्या है जो ये फ्रेजेस मतलब जो वाक्यांश दिए गए उनको क्या है उनकी मीनिंग लिखना है, उनके अर्थों का क्या है आपको अध्ययन करना है. एंड यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कम्प्लीट द सेंटेंस दैट फॉलो. और आने वाले जो आगे क्वेश्चन मतलब सेंटेंस है उनमें क्या है आपको इसको पूरा करने के लिए उपयोग करना है इनका फ्रेसेस का. तो फर्स्ट है जैसे यहाँ पर है जैसे लुक आफ्टर मतलब जांच करना, टेक केयर ऑफ मतलब जांच करना. इसको हम सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, टेक केयर ऑफ. तो जो फ्रेसेस होते हैं वो क्या है बिल्कुल सटीक से वर्ड्स दिए रहते हैं, मतलब बहुत कम वर्ड्स में क्या है पूरी बात कहने की कोशिश करते हैं. तो इसको जैसे हम अगर हम सेंटेंस में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको, लुक डाउन ऑन. तो लुक डाउन ऑन मतलब बाहर देखो, लुक डाउन ऑन.
बाहर देखो एंड दिस अप्रूव और रिगार्ड एज इनफेरियर लुक इन ऑन समवन मेक अ शॉर्ट विजिट एंड लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन लुक इनटू मींस क्या होगा इन्वेस्टिगेशन लुक आउट बी केयरफुल लुक अप मींस क्या होगा इम्प्रूव करना एंड लुक अप टू मिस क्या होगा एडमायर करना मतलब ऊपर देखो मतलब प्रशंसा करना लुक अप मिस मतलब ऊपर देखो सुधार करो लुक आउट मिस बाहर देखो बी केयरफुल मतलब सावधान हो जाओ लुक इनटू इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच करना लुक आफ्टर मतलब टेक केयर करना मतलब ध्यान रखना लुक डाउन ऑन डिसअप्रूव करना लुक इन मतलब समवन मेक अ शॉर्ट विजिट ओके तो इसके क्वेश्चन यहाँ पे क्या है ये सेंटेंस दिए गए ये क्वेश्चन दिया गया है तो इसके सीधा हम आंसर देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो इसके आंसर को ओके जैसे यहाँ पर क्या है फर्स्ट का आंसर क्या है आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट बहुत लंबे समय तक क्या गर्मी के बाद आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट मतलब बहुत गर्मी के बाद The weather is looking up at last मतलब आखिरकार क्या है मौसम में सुधार दिख रहा है looking up मतलब सुधार दिख रहा है मतलब वहां पर दिख रहा है at last मतलब last में We have no right to look down on people who do small jobs क्या हमें छोटे छोटे काम करने वाले लोगों के क्या है look down on मतलब नीचे दृष्टि से देखने का कोई अधिकार नहीं है मतलब हमारा कोई राइट्स नहीं है मतलब उनकी तरफ जो छोटे छोटे काम करते हैं स्मॉल जॉब करते हैं उनकी तरफ नीचे की दृष्टि से देखना एंड थर्ड क्या है नितिन हैज ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज अंकल जो नितिन है वो हमेशा अपने चाचा का आदर करते हैं लुक्ड अप टू मतलब आदर किया है उन्होंने एंड हु इज सेल्फ मेड मैन वो क्या है एक मतलब सेल्फ मेड मैन है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है आंसर क्या होगा द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थ्रोली तो यहाँ पे क्या होगा जो पुलिस वाले हैं वो क्या मामले की गहनता को क्या मतलब लुकिंग इनटू मतलब जो मामले जो मतलब जांच चल रही है उनकी लुकिंग इनटू मतलब जांच कर रही है उसके क्या है मतलब मैटर को थ्रोली मतलब अच्छे से जांच पड़ताल कर रहे हैं उसकी गहनता से उसकी जांच कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द चिल्ड्रंस फॉर यू यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो मैं आपके बच्चों की क्या देखभाल करूंगा लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना आई प्रोमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट यहाँ क्वेश्चन नंबर सिक्स में मैं वादा करता हूँ मतलब मैं प्रोमिस करता हूँ कि जब मैं अगली बार लखनऊ आऊंगा मतलब आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट मतलब जब मैं अगली बार लखनऊ आऊंगा तो मैं क्या आपके भाई से जरूर मिलूंगा मतलब लुक इन मतलब जरूर मिलूंगा मैं अपने भाई आपके भाई से लुक आउट मतलब सावधान रहो व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड जब आप मुख्य रोड को क्या है क्रॉस करते हो तो क्या है आपको सावधान रहना चाहिए क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली तो क्या है आपको जो ये वर्ड्स दिए गए उनको क्या है आपको लाउडली और क्लियरली रीड करना है जैसे फर्स्ट क्या है कोट कॉट कॉट और कोट और कॉस्ट कोस्ट टोस्ट टोस्ट गॉट गोट ब्रॉट रोट ब्लॉट ब्लोट ब्लॉट नॉट नोट तो आपको ऐसे लाउडली इसको क्या है रीड करना है क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन दिस साउंड श तो ये किस चीज की साउंड एस एच किसकी साउंड करता है शॉ की एस इन शाइन शॉ की देखो शाइन में क्या है शॉ से एस एच क्या बनता है शॉ की साउंड करता है इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड फर्स्ट स्पीक आउट ऑल द वर्ड्स क्लियरली फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको इनको क्लियरली स्पीक करना है और देन अरेंज द वर्ड्स इन थ्री ग्रुप्स और उसके बाद क्या है आपको इनको थ्री ग्रुप्स में टेबल बनाना है मतलब बिगनिंग जो बिगनिंग में आ रहा है मतलब इनिशियल्स में आ रहा है मिडिल में आ रहा है और जो फाइनल में शॉ के साउंड जिसमें आ रही है ओके फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपको इसको रीड करना है जैसे शिप एनेक्सियस पोर्शंस शू ट्रैश श्रीक एशेस पुशिंग मार्श शोर
श्योर पुलिस फैशन फिश नेशन माउस स्टेच यहाँ पे क्या है माउस स्टेच ओके। तो यहाँ पे आपने शॉ की साउंड कहाँ कहाँ आपको ये आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे एग्जाम्पल स्टार्टिंग में आ रही है शॉ देखो शिप में शॉ और यहाँ पे एन एक्सीएस मतलब यहाँ पे क्या कहाँ आ रही है एन एक्सीएस यहाँ पर आ रही है इसकी साउंड और यहाँ पे क्या है पोर्शन शॉ टी आई ओ एन से क्या है शॉ की साउंड आ रही है पोर्शन शॉ यहाँ पे टी आई क्या क्या पढ़ेंगे शन यहाँ पे क्या है शू यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रही है शॉ की साउंड शॉ और यहाँ पे क्या है ट्रैश शॉ एस एच मिल के बन रहा है यहाँ पे एस एच शॉ और यहाँ पे भी एस एच शॉ यहाँ पे क्या है यहाँ पे भी लास्ट में एस एच शॉ श्योर और यहाँ पे क्या है एस यू मिल के क्या बन रहा है शॉ की साउंड बना रहा है यहाँ पे क्या है पॉलिश यहाँ पे भी एस एच आ रहा है फैशन एस एच और यहाँ पे क्या है नेशन शॉ टी आई ओ एन टी आई से क्या बन रहा है टी आई ओ से क्या बन रहा है शॉ की साउंड आ रही है यहाँ पे क्या है माउस स्टेच यहाँ पे भी सी एच ई ओके ये क्या है शॉ की साउंड दे रहे हैं ओके। जैसे हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स में जैसे क्वेश्चन में दिया गया है आपको क्या है थ्री ग्रुप्स में टेबल बनाना है इसका ओके। जैसे क्या है फर्स्ट इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में आ रही है शॉ के साउंड उसको क्या है इस रो में लिखना है ओके। सेकंड क्या है मिडिल में जिसकी साउंड आ रही है जिसमें मिडिल में शॉ की साउंड आ रही है उसको यहाँ पे राइट करना है आपको और नेक्स्ट क्या है जिसके फाइनल में ये शॉ की साउंड आएगी उसको क्या है आपको लास्ट वाले ग्रुप में डालना है ओके। जैसे यहाँ पे शिप श्रिक श्योर श्योर शो तो ये क्या है स्टार्टिंग में इसकी साउंड आ रही है इनिशियल्स में आ रही है ओके। एंड सेकंड क्या है मीडियल में जिसकी साउंड आ रही है शो की वो क्या है फैशन एनेक्शियस एशियस नेशन पुशिंग और माउस स्टेच ओके। देखिए यहाँ पे दो बार साउंड आ रही है माउस स्टेच तो यहाँ पे क्या है दोनों दो बार बीच में भी आ रही है लास्ट में आ रही है तो यहाँ पे क्या है माउस स्टेच माउस टैच ओके। और यहाँ पे फाइनल में जिसकी साउंड आ रही है टैश देखो शॉ लास्ट में आ रहा है मार्श फिश और पुलिश ओके। तो नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स च रिप्रेजेंट द सेम कंसोनेंट तो यहाँ पे देखिए पीछे क्या है सी एच से क्या किसकी साउंड आ रही थी शॉ की और अब क्या है सी एच मतलब सेम वर्ड्स है मतलब सेम वर्ड्स रिप्रेजेंट द सेम कंसोनेंट साउंड एज द एज इन जैसे यहाँ पे क्या है चौ की साउंड आएगी सी एस से और पीछे किसकी साउंड आ रही थी शॉ की तो देखो एक ही सेम वर्ड्स है उनसे क्या अलग अलग साउंड साउंड क्या है प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखो सी एच ए आर यहाँ पे क्या बन रहा है चेयर द वर्ड ऑन द लेफ्ट हैव बीन साउंड इनिशियली दोस ऑन द राइट हैव इट फाइनली स्पीक ईच वर्ड क्लियरली तो यहाँ पे क्या है चूज देखो यहाँ पे क्या है सी एच चूज चाइल्ड चीज चेयर चार्मिंग और बेंच यहाँ पे दिया यहाँ पे क्या है स्टार्टिंग में आ रही चौकी साउंड और यहाँ पे क्या है सबके लास्ट में आ रही चौकी साउंड जैसे यहाँ के बेंच मार्च पिच रेच और रिसर्च तो यहाँ पे क्या है अंडरलाइन कर दिया है मैंने आपके लिए ओके। आप खुद से भी देखो समझ सकते हो इसमें अब इस ये क्या है बहुत ही इजी आपकी ग्रामर का ये बहुत ही इजी पार्ट्स है। जैसे क्या है यहाँ पे चौकी साउंड स्टार्टिंग में आ रही है ये खुद से आप अंडरलाइन कर सकते हो सब में ओके। जैसे फीचर यहाँ पे च टी यहाँ पे क्या है टी में साउंड आ रही है फीचर और यहाँ पे क्या है रीचिंग च की साउंड कहाँ आ रही है मिडिल में आ रही है रीचिंग रिचेस यहाँ पे भी मिडिल में आ रही है आर्चरी आर्चरी यहाँ पे बीच में आ रही है नेचर बैच देखो यहाँ पे पिक्चर मैचेस और चर्च चर्च में क्या है दो बार साउंड हो रहा है आ रही है च र च चर्च ओके। नेक्स्ट है स्पीकिंग क्वेश्चन नंबर वन डू यू थिंक मिस्टर गैसलर वॉज अ फेलर एज अ बूट मेकर और एज अ कंपिटिटिव बिजनेसमैन तो आपको क्या लगता है जो मिस्टर गैसलर है वो क्या फेलर है आपको इनसे मतलब क्या लगता है जो क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन आंसर है जैसे जो मिस्टर गैसलर है वो क्या एक फेलर शू मेकर है तो इसका आंसर होगा मिस्टर गैसलर वॉज एन अमेजिंग बूट मेकर मिस्टर गैसलर है वो एक अमेजिंग बूट मेकर है मतलब वो क्या है बहुत ही अच्छे बूट को बनाते थे मतलब वो कोई मतलब बेकार के नहीं थे मतलब शूज़ बनाने में बट
His customers were highly satisfied with the quality of boots he made. जो वो बूट्स बनाते थे वो क्या है उनकी क्वालिटी से क्या है उनके कस्टमर हमेशा सेटिस्फाई रहते थे. ये मतलब ये नहीं था कि उनके कस्टमर कभी उनसे क्या है सेटिस्फाई ना हुए होंगे जो उन्होंने बूट्स बनाए हो. बट ही वॉज फेलर एज अ कम्पिटिटिव बिजनेस मैन. तो लेकिन वो क्या है एक बिजनेस मैन के रूप में क्या है वो फेलर थे. क्यों फेलर थे? क्योंकि वो क्या है अपने जो सामान बनाते थे उसको क्या है वो अच्छे से उसका उन्होंने प्रचार प्रसार नहीं किया था. मतलब वो जैसे आज के जो जमाना है उसमें क्या है लोग बाग को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए जो भी वो कुछ काम करते हैं. तो इसलिए वो क्या है यहाँ पर वो फेलर हो जाती है. ही डिड नॉट हैव अ मच मनी टू स्पेंड द एडवर्टाइजमेंट. और इसका कारण ये भी हो सकता है उनके पास ज़्यादा मनी नहीं थी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए. बट एवर ही अर्नड वेंट इन टू दी रॉ मटेरियल एंड रेंट. जितना भी वो अर्न करते थे वो क्या है वो रॉ मटेरियल में जो उनको सामान खरीदना होता था उसमें और रेंट में उनका सारा चला जाता था. खुद के लिए उनके लिए कुछ नहीं बचता था. इसीलिए क्या उनकी स्टार्वेशन के कारण उनकी डेथ भी हो जाती मतलब भूख के कारण. मतलब उनको प्रॉपर वो अपने लिए खाना भी नहीं खरीद पाते थे. इतनी इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उनके काम करते करते. व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ द टाइटल टू हुम और टू व्हाट डज इट रेफर. जो इसका जो टाइटल है वो क्या है का क्या महत्व है जो इसका टाइटल है उसका क्या महत्व है और इसके संदर्भ में किससे और मतलब इसका संदर्भ किससे और किससे है मतलब किसको रेफर करता है. ये थी टाइटल ऑफ क्वालिटी रेफर द ग्रेट क्वालिटी ऑफ बूट्स मेड बाय मिस्टर गेसलर. तो ये जो इसकी क्वालिटी है ये मिस्टर गेसलर द्वारा बनाए गए जूतों की गुणवत्ता को क्या दर्शाता है. ही वॉज अ प्रोफिशिएंट इट एट कि वो इसमें क्या है वो परंपरागत मतलब लगातार जो उसके दादा परदादा वो सब लोग क्या है परंपरागत इसे बनाते थे. ही वुड नॉट लेट अदर इवन अ टच द बूट अंटिल दे गॉट रेडी. जब वो खुद वो क्या है जब बूट बनाता तो वो खुद से बनाता तो किसी और को उसमें क्या टच भी नहीं करने देता था. खुद मेहनत करता था दिन रात उसी में लग जाता था जो उसे बूट बनाने के लिए ऑर्डर मिलता था. ही वॉज अ ट्रू परफेक्शनिस्ट. वो क्या है सच्चा क्या है मतलब परफेक्शनिस्ट था अपने काम को क्या पूर्ण रूप से करता था. हु बिलीव्ड इन क्वालिटी जो क्या है जो कुछ वो बनाता था उसकी क्वालिटी में बिलीव करता था. ही इज लूजिंग बिजनेस बट स्टिल नेवर अ कम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द बूट्स ही मेड. उस क्या है उनमें वो क्या है उनके व्यापार में क्या घाटा हो रहा था लेकिन फिर भी क्या उन्होंने अपने जो बनाए गए जूतों की जो उनकी क्वालिटी थी उसमें क्या है कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया उसमें कभी भी समझौता नहीं किया. मतलब कि उसको क्या है अब लो क्वालिटी की लेदर को वो खरीद सकता था और उसमें कम मेहनत करके वो अच्छे दाम में बेच सकता था. उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया. ओके द क्वालिटी इज नॉट मच ऑफ कंसर्न फॉर द बिग फार्म्स दे रिलाई ऑन अदर एडवर्टीजमेंट टू अट्रैक्ट कस्टमर. तो बड़ी कंपनियों के लिए गुणवत्ता ज़्यादा क्या है चिंता का विषय नहीं है. वो ग्राहकों को क्या आकर्षित करने के लिए अपने सिर्फ किस पे विश्वास करते थे वो सिर्फ अपने एडवर्टीजमेंट पर विश्वास करते थे जो बड़े बड़े फॉर्म्स वाले होते. लेकिन मिस्टर गेसलर का इसके अपोजिट था वो सिर्फ क्वालिटी पर विश्वास करते थे. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है नोटिस द वे मिस्टर गेसलर स्पीक इंग्लिश. जो मिस्टर गेसलर की इंग्लिश बोलने के जो तरीके उस पर क्या ध्यान दिया होगा आपने पूरे चैप्टर में मतलब वो बिल्कुल अलग वर्ड्स थे. हिज इंग्लिश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज मदर टंग. उनकी जो इंग्लिश थी वो इन्फ्लुएंस प्रभावित थी अपने उनकी मदर टंग से. ही स्पीक इंग्लिश विद एन एसेंट. वो क्या है जो इंग्लिश बोलते थे वो क्या है उनकी मातृभाषा में बोलते थे मतलब अंग्रेजी के जो लहजे में बोलते थे. मिस्टर गेसलर स्पीक PTK साउंड लाइक अ BDG. तो P को वो B बोलते थे T को वो D बोलते थे और K को वो G बोलते थे. कैन यू से दीज वर्ड्स मिस्टर गेसलर वुड से देम. इट कैम्स द नेवर स्टॉप्स डज इट ब्रदर मी नॉट एट ऑल आस्क माई ब्रदर प्लीज. तो इसका आंसर वो चैप्टर में कैसे मिस्टर गेसलर कैसे बोलते हैं मिस्टर गेसलर वुड सेट द एबो स्टेटमेंट्स लाइक इट गॉम्स एंड नेवर स्टॉप्स Does it bother me and not it all angs my border please. तो वो शायद ऐसा बोलते होंगे स्पीक द फाइव एडल्ट इन योर नाइबरहुड आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चन इन एनी लैंग्वेज दे आर कम्फर्टेबल विद एंड देन कम बैक एंड शेयर यू फाइंडिंग विद द क्लास. तो क्या है अपने पड़ोसियों के पास जाना है आपको जो उनकी मातृभाषा है उसमें क्या है आपको बात करना है जिसमें वो क्या है सहज हो मतलब जिसमें और फिर वापस क्या है आपको कक्षा में आकर क्या है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. डू दे बाय दियर प्रोविजन पैकेट्स इन प्लास्टिक पैकेट एट अ बिग स्टोर और लूज फ्रॉम
अ स्मॉल स्टोर नियर हिज दियर हाउस, तो क्या क्या वे अपने सामान को किसी बड़े स्टोर से प्लास्टिक के पैकेट में मतलब पैक करके खरीदते हैं? मतलब आपको अपने पड़ोसी में जाकर ये सब ये चीज़ें पूछनी है, क्या उन्होंने भी किया? जैसे शू मेकर की दुकान को क्या सब लोग छोड़ते जा रहे थे क्योंकि उसकी स्मॉल फिश शू की दुकान थी, तो क्या आप लोग भी ऐसे करते हो स्मॉलर स्टोर को नियर वाली जो आपकी जो जो दुकान है उनको क्या है आपको उन पर उसमें मतलब जो आपके घर के पास के किसी छोटे या खुले से आप खरीदते हो, मतलब आप किससे खरीदना पसंद करते हो? वेयर डू डू दे बाय दियर फुटवेयर, और वे अपने जूते कहाँ से खरीदते हैं? एंड डू दे बाय ब्रांडेड फुटवेयर, क्या वे ब्रांडेड फुटवेयर पहनते हैं? और फुटवेयर मेड लोकली या जो लोकली बनाई जाती है छोटी शॉपिंग या उनसे पहनते हैं जैसे ऑर्डर के द्वारा, यहाँ पे मिस्टर गैसलर को ज्यादा आ जाता है तो वैसे लोकल की दुकान से पहनते हो। वट रीज़न डू दे हैव फॉर दियर प्रिफ्रेंस, और वो क्या रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो जैसे फर्स्ट का आंसर क्या है, बाय दियर प्रोविंसेंस पैकेट लूज फ्रॉम दी स्मॉल स्टोर नियर दियर हाउस, तो क्या वो अपने जो फर्स्ट का क्या आंसर मिला वो अपने घर के आसपास के क्या है एक छोटी सी दुकान से सामान को पैक करके खरीद लेते हैं। और सेकेंड का आंसर क्या होगा, दे बाय फुटवेयर मेड लोकली, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या दिया है मैंने, अपने जो नियर बाय के जो स्थानीय जो फुटवेयर की दुकान होती है वहीं से खरीदते हैं, कहीं बड़े मॉल में नहीं जाते। दे प्रिपेयर दी लोकल वंस बिकॉज दी ब्रांडेड वंस आर टू एक्सपेंसिव, जो ब्रांडेड होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लाखों में आते हैं हज़ारों में। एंड दे डोंट लाइक और स्पेंड टू मच, और क्या उनके पास इतना सारा स्पेंड करने के लिए पैसे भी नहीं होते हैं, उनके नेबर ने ये सब चीज़ें कही है इनसे कही है। एंड नॉट एंड मच ऑन रेगुलर, जो मतलब जो जो शूज होते हैं वो क्या है नियमित रूप से जूते क्या है अधिक खर्च करने, मतलब जूतों पर क्या है वो इतना अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। डू डे बाय रे डू दे बाय रेडीमेड क्लॉथ्स, और बाय क्लॉथ एंड गेट दियर क्लॉथ्स स्टिचेस बाय द टेलर्स, एंड विच डू दे थिंक, जो क्या मतलब क्या वे तैयार तैयार कपड़े खरीदते हैं जो पहले से क्या रेडीमेड होते हैं, क्या वो क्या जो तुम्हारी पड़ोसी क्या वे रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं या बाय क्लॉथ्स टू गेट दियर क्लॉथ स्टिचेस, क्या वो या वो दर्जी के पास उसे सिलाने जाते हैं? एंड विच डू दे लाइक टू बेटर, और वे किसे बेहतर समझते हैं? आपको क्या इसके बारे में भी डिस्कस करना है। तो यहाँ पे क्या है इसका आंसर क्या है, दे बाय बॉथ, मतलब वो क्या है दोनों खरीदते हैं, दे दी रेडीमेड एज वेल एज दी वंस एंड दैट आर स्टिचेज बाय अ टेलर। इफ दे वॉन्ट एनी कस्टमाइज स्टिच देन दे प्रिफेयर टू वन दैट दी स्टिचेज बाय द टेलर, तो क्या है वो दोनों ही जूते जो मतलब दोनों ही क्लॉथ्स को खरीदते हैं जो उनके लिए क्या है सही रहते हैं, जब उन्हें लगता है इसमें स्टिचेस करना है तो दर्जी से सिला भी लिया जाता है, मतलब उनके द्वारा सिला लिया गया हो। आपको क्या है पिक्चर में देखना है, यहाँ पे क्या है, आई हैव डिसाइड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, तो क्या कह रहा है मुझे, मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हायर स्टडी के लिए कहाँ जाने वाला हूँ, अब्रॉड जाने वाला हूँ, अजीत ने कहा ही। तो अनिता कहती हैव यू आई डोंट थिंक आई विल एवर डू दैट आई लव माई कंट्री, तो वो लेकिन जो अनिता है वो है जो अनिशा है वो क्या है ये सब चीज़ें करने के लिए मना कर रही है क्योंकि उसे वो क्या कहती है कि मुझे अपने कंट्री से बहुत प्यार है। लेट लेट पेयर द स्टूडेंट टॉक टू ईच अदर अबाउट लिविंग द कंट्री, तो आपको क्या है मतलब एक पेयर बनाना है जो क्या है एक दूसरे से पूछेंगे बात करेंगे कि आपको क्या है कंट्री को छोड़ना पसंद है। वन स्टूडेंट रिपीट अजीत स्टेटमेंट एंड दी अदर, और एक स्टूडेंट को क्या है जैसे जो अजीत के द्वारा दोहराई गई बात है उसको कहना है और दूसरे को क्या है गिव द रीजन फॉर नॉट एग्रींग विद अजीत, और कुछ को क्या है जो अजीत अजीत जो बाहर विदेश जाना चाहता है उसके अगेंस्ट में बोलना है, मतलब क्या है उससे सहमत न होने का कारण बताना है। दिस सेंटेंस ओपनिंग गिवन बिलो शुड बी यूज, तो जो ये सेंटेंस दिए गए हैं नीचे इसको क्या है आपको यूज करना है। इफ आई लीव दिस कंट्री आई विल मिस, तो ये वो पहला रीजन क्या बोल रहे हैं, अगर मैं ये देश छोड़ूंगा तो क्या है मैं मुझे ये क्या है बहुत याद आएगा, मतलब मुझे बहुत याद आएगा अपने देश। देयर आर आर सम थिंग्स विच यू कैन गेट ओनली हेयर फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर क्या है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो केवल आपको यहीं पर मिल सकती है, मतलब भारत में बाहर नहीं मिल सकती। देयर आर आर सम स्पेशल डेज, यहाँ पर क्या है बहुत ही स्पेशल डेज भी होते हैं, आई विल मिस पर्टिकुलरली एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस बिकॉज, मतलब आपको इन सब वर्ड्स को क्या है आपको यूज़ करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, अजीत आई हैव डिसाइडेड टू गो टू अब्रॉड फॉर हायर स्टडी,
फर्स्ट क्या है, मैंने क्या मतलब हायर स्टडी के लिए क्या है विदेश जाने का फैसला ले लिया है। तो सेकंड अनिशा क्या रिप्लाई करती है, हैव यू आई डोंट थिंक यू विल एवर डू दैट, आई लव माई कंट्री। तो वो क्या कहते हैं, क्या आपके पास हैव यू मतलब आपके पास है कि आई डोंट, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, क्योंकि क्या है मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। देयर आर सम थिंग्स विच कैन गेट ओनली देयर आर देयर, मतलब वो क्या है, अगर अगर मैं ये देश छोड़ता हूँ, देयर आर दी सम थिंग्स विच कैन गेट ओनली देयर, फॉर एग्जाम्पल स्नैक्स, मतलब अगर मैं ये देश छोड़ देता हूँ तो मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या है जो सिर्फ यहाँ पर ही मिलती है, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी है जो सिर्फ यहीं पर मिल सकती है, जैसे क्या है स्नैक्स है, पर्टिकुलरली प्रिपेयर्ड हेयर, अवर ट्रेडिशनल फेस्टिवल इस सिटी, जो क्या है हमारे ट्रेडिशनल्स पे ही त्यौहारों पे ही बनाए जाते हैं। और इससे पहले इफ आई लीव दिस कंट्री, अगर मैं क्या है इस देश को छोड़ता, आई मिस माई फ्रेंड्स विद होम आई आई हैव प्लेड एंड स्पेंट सो मच टाइम्स। और यहाँ पे अगर मैं देश को छोड़ता हूँ तो क्या मुझे अपने दोस्तों की भी बहुत याद आएगी, जिनके साथ क्या मैं खेलता हूँ और समय बिताता हूँ। देयर आर सम स्पेशल डेज, और यहाँ पे क्या है कुछ विशेष दिन भी होते हैं, जैसे आई विल मिस पर्टिकुलर फेस्टिवल लाइक होली दीपावली, एंड मोस्ट ऑफ ऑल आई विल मिस माई यंगर ब्रदर्स बिकॉज वी स्पेंट ऑलमोस्ट एंटायर डे टूगेदर। और सबसे ज़्यादा मिस क्या है वो अपने छोटे भाई को करेंगे, क्योंकि उनके साथ क्या है वो पूरा दिन बिताते हैं। आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी टू लिव माई कंट्री, तो वो कह रहा है कि मुझे लगता है कि मेरे लिए क्या है ये बिल्कुल असंभव होगा, बिकॉज आई कॉन्ट गो अवे फ्रॉम माई फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड आई कॉन्ट गो सो फार फ्रॉम देम, तो क्या है इसलिए मैं क्या इतना दूर कभी नहीं जा सकता। हाउ कैन आई लिव योर ओन कंट्री एक्सेप्ट वैन देयर इज अ ट्रूली नो वे यू कैन स्टे देयर, तो क्या है आप अपना देश कैसे छोड़ सकते हैं सिवाय इसके कि जब वास्तव में क्या है आपके लिए यहाँ रहना क्या कोई आपको रहने का कोई रास्ता नहीं है। मतलब नेक्स्ट है डिपेंड ऑन वंस सिचुएशन, क्या है किसी की भी स्थिति पर ये निर्भर करता है। आई कांट लिव फॉर गुड बिकॉज आई कांट इवन वंडर हाउ आई विल सर्वाइव सो फार फ्रॉम माई क्लोज वंस, तो मैं क्या है मैं हमेशा के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं कैसे अपने जो मेरे मैं कैसे सर्वाइव करूँगा वहाँ पे, जो मेरे जो अपने लोग हैं मतलब जो मेरे फैमिली मेम्बर है जो मेरे रिलेटिव हैं उनके बिना मैं वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकता, मतलब मैं वहाँ पर जीवित ही नहीं रह सकता। तो मे बी फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स आई कैन स्टे दिस फार फ्रॉम होम, शायद कुछ वर्षों तक मैं अपने घर से दूर रह सकता हूँ। राइटिंग, अब यहाँ पे क्या है आपका राइटिंग वाला पैराग्राफ है ये, तो बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट राइट अ स्टोरी, जो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए इसके अनुसार क्या आपको राइटिंग करनी है। ओके, एक अच्छा सा पैराग्राफ लिखना है और इनको इन वर्ड्स को क्या यूज़ करना है, जैसे योर आंट हैज़ गॉन टू हर मदर्स हाउस, जो तुम्हारी मौसी वो क्या अपने माँ के घर गई है। योर अंकल डज हिज कुकिंग, जो तुम्हारे चाचा वो क्या खाना बनाते हैं। ही इज़ अब्सेंट माइंडेड, वो क्या है अब्सेंट माइंडेड से मतलब बिना मन से खाना बना रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और है। ही पुट्स वेजिटेबल ऑन द स्टोव, उन्होंने क्या है सब्जियों को चूल्हे पर रखा है। ही बिगिन्स टू क्लीन हिज बाइसिकल आउटसाइड, और फिर क्या है वो बाहर जाकर अपने साइकिल को साफ करने लगता है। एंड दी नेबर कॉल्स आउट सेइंग समथिंग इज बर्निंग, जो उनके पड़ोसी होते हैं उन्होंने आवाज़ देखी कि कुछ जल रहा है, मेन मिस्टर को क्या है वो आवाज़ देते हैं उनके पड़ोसी। एंड योर अंकल रस्ट टू द किचन, और तुम्हारे चाचा जो रसोई में भागते हैं टू सेव वेजिटेबल्स, सब्जियों को बचाने के लिए। ही पुट्स सम ऑयल ऑन देम, उसके उन सब्जियों को बचाने के लिए क्या उस पर क्या थोड़ा सा ऑयल डालते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप ये ऑयल को डाल रहे हैं। एंड टू अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से ये क्या होता है इट्स सम मशीन ऑयल, जो इनके हाथ देखो इनके हाथ में इनके जेब में स्कूप वगैरह पड़े हुए हैं, तो ये जी अनफॉर्चुनेटली क्या है मशीन का ऑयल ही सब्जियों में डाल देते हैं। एंड नॉट कुकिंग ऑयल, खाना पकाने वाला तेल नहीं डालते हैं उसमें। व्हाट डू यू थिंक हैपन्स टू द वेजिटेबल्स, तो आपको क्या लगता है सब्जियों के साथ क्या होता है। बिगेन लाइक दिस, लास्ट मंथ माई आंट डिसाइड टू विजिट हर पेरेंट्स, तो आपको क्या है इसको इस सेंटेंस को यहाँ से स्टार्ट करना है कि पिछले महीने मेरी चाची ने अपने माता पिता से मिलने का क्या फैसला किया था, डिसाइड किया था।
तो इसको इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं और अपने आप और अच्छे तरीके से भी इसको क्रिएटिव राइटिंग में राइट कर सकते हो अपने ओन वर्ड्स में। जैसे मैंने आंसर दिया यहाँ पे, द लास्ट मंथ माय आंट डिसाइड टू विजिट हर पेरेंट्स, माय अंकल वाज अलोन एट होम एंड सो ही यूज टू कुक ऑफ हिमसेल्फ। तो मैंने इसके जो इसके सेंटेंस उसको क्या है, इसकी मीनिंग को समझा दिया है। तो आप क्या है, आपसे खुद से भी इसको समझने की कोशिश करो। ही वॉज अ लिटिल अबसेंट माइंडेड वंस इट वॉज हैपेंड that he put vegetable on the stove and went outside to clean the bicycle. After some time, the neighbor called him out, saying that something was burning. Uncle rushed inside to save the vegetable. He put some oil on them. Unfortunately, it was machine oil and not cooking oil. The vegetable were not fit to be eaten. नाउ तो वेजिटेबल्स कैसे फिट हो सकता था खाने के लिए, क्योंकि वो खाने के लायक ही नहीं बचा था, क्योंकि क्या अंकल ने बैड टू थ्रो इट ऑल अवे, अंकल ने क्या है उसको उन सबको क्या फेंक बाहर फेंक दिया, क्योंकि क्या उन्होंने उसमें मशीन का तेल डाल दिया था। सो आपको कैसा लगी ये क्वेश्चन आंसर, अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ प्लीज़ आप ना सब्सक्राइब जरूर से कर दिया कीजिए चैनल को, इससे क्या है मैं आपके लिए और वीडियो बना सकती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो क्या है मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।